मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके, 5 साल में किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए भेजेगी फिर से विकास? ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है, कि जो बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पर वोट जरूर डालेगी।